हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने में क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, जिसमें चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया। कल मैंने आपको टाइफाइड के बारे में बताया था, आज पढ़ने वाले हैं आपको मलेरिया। तो है क्या कि मलेरिया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें प्लाज्मोडियम जीवाणु बीजाणु पाए जाते हैं। तो सुनिए पहले मलेरिया के ऊपर इंट्रो जान लेते हैं। देखिए है क्या, जब किसी व्यक्ति को, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, जब किसी व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम बीजाणु मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम बीजाणु जो होता है वो क्या करता है, मानव शरीर में प्रवेश करता है। और शुरू में यह परजीवी, मतलब प्लाज्मोडियम बीजाणु, शुरू में यह परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाता है। यकृत में क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और आरबीसी पर आक्रमण करता है। फिर बाद में क्या करता है, आरबीसी पर आक्रमण करता है, जिससे क्या आती है, इसकी कोशिका क्या आती है, फट जाती है। जिससे इसकी कोशिका क्या आती है, फट जाती है और फीमोज्वाइन विषैला पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, फीमोज्वाइन विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे व्यक्ति को उच्च जवन हो जाता है। एक बार फिर सुनिए, मैंने आपको बताया क्या कि मलेरिया जो होता है, व्यक्ति जब किसी व्यक्ति में, व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है तो प्लाज्मोडियम बीजाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। प्लाज्मोडियम बीजाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और शुरू में यह परजीवी यकृत में अपनी संख्या फैलाता है। शुरू में यह परजीवी अपनी संख्या कहाँ फैलाता है, तो यकृत में फैलाता है। और अटैक कहाँ करता है, तो आरबीसी पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, जिससे क्या होता है, इसकी कोशिका फट जाती है। और जब कोशिका फट जाती है, इसमें से क्या निकलता है, फीमोज्वाइन विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे व्यक्ति को उच्च जवन उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को क्या होता है, उच्च जवन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को वॉच करके इतना नोट करेंगे और नोट करने के बाद आगे की बात आप सुनेंगे। अब सुनिए, अब है क्या कि मलेरिया में जो लक्षण होता है, लगभग 5 से 7 दिन बाद दिखाई देता है, कुछ लोगों में महीना दिन के बाद भी दिखाई देता है। अब सुनिए, अब है क्या कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है तो उन्हें 1 साल तक, नोट बात यह रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो 1 साल तक ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। अब है क्या कि अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आप कौन सा टेस्ट करवाइएगा, कौन सी जांच करवाइएगा, तो सबसे पहला जांच जो है, अच्छा जांच है, सस्ता जांच है, एमपी, ठीक है, मलेरिया पारा, एमपी का मतलब होता है मलेरिया पारासाइट। क्या होता है जी, बोला मलेरिया पारासाइट, यह जांच हमें करवाना चाहिए मलेरिया के लिए। ये कैसा जांच है, सस्ता भी है और अच्छा भी है, 150 के आसपास हो जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा एमएपी है, एमएपी का मतलब मलेरिया, सुनिए ध्यान से, मलेरिया एंटीजन टेस्ट। क्या है जी, मलेरिया एंटीजन पारासाइट टेस्ट, सॉरी पारासाइट, ठीक है ना, टेस्ट। तो इसमें ये टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, ये सवाल पूछ लिया जाता है, रैपिड किट से किया जाता है, रैपिड किट से किया जाता है। और रैपिड किट क्या करते हैं, एंटीजन को जांच करते हैं, किस तरह करते हैं, एंटीजन को ही। अब है क्या, इस टेस्ट करवाने पर क्या होता है, तो 10 मिनट में लगभग रिजल्ट मिल जाता है। तो मैंने बताया गया कि मलेरिया के लिए कौन कौन टेस्ट कराता है, तो एमपी और एमएपी कराते हैं, ज़्यादातर दो चलते हैं, एमपी और एमएपी कराओ ही होते हैं। तो मलेरिया टेस्ट जो है आप याद रखना, एमपी करवाइए या एमएपी करवाइए, ये क्या होता है, सस्ता और क्या होता है, अच्छा होता है। मलेरिया एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मलेरिया पारासाइट, और एमएपी का क्या होता है, मलेरिया एंटीजन पारासाइट। ये किससे होती है, रैपिड किट से होता है। और इसमें रिजल्ट कितना मिनट में मिलता है, तो 10 मिनट में लगभग मिल जाते हैं। अब सुनिए मलेरिया के लक्षण जान लेते हैं। तो अचानक तेज कपकपी के साथ ठंड, केवल कुछ देर बाद ठंड आती है, उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, बुखार आता है। और यह बुखार 2 से 3 घंटा होता है, कितना आता है, 2 से 3 घंटा होता है। फिर क्या होता है, आपका पसीना होता है और बुखार क्या आती है, उतर जाती है। और यह प्रक्रिया जो होती है, दिन में 2 बार होती है और रात में, डे में 2 बार और नाइट में आपका 2 बार होता है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ आपका इसका लक्षण क्या है मलेरिया का, अचानक तेज कपकपी के साथ ठंड, बुखार आती है और 2 से 3 घंटा तक ये बुखार आता है, फिर पसीना आती है और बुखार उतर जाता है। और यह प्रक्रिया दो से
दिन में दो बार होती है और रात में भी दो बार होते हैं, कभी कभी प्रक्रिया तीन बार होती है। अभी क्या इसमें और लक्षण क्या थे, इससे उल्टी होता है मतलब उल्टी होना, फिर ये उल्टी होना या जी मचलाना मतलब उल्टी होती है मलेरिया में जाता है। फिर आदमी जो होते हैं देखिए जिनको मलेरिया हो जाती है उनको कमजोरी महसूस होती है और क्या होता है थकान भी महसूस होता है। फिर शरीर में क्या होती है खून की कमी हो जाती है और फिर क्या सांस क्या होता है फूलने लगता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सॉरी आपको मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ मलेरिया का उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो जिस स्थान पर अगर रह रहे हैं वहाँ आपको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्या कर रखना चाहिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फिर गंदे जलों का सेवन नहीं करना चाहिए, गंदे जल में क्या सेवन आपका नहीं करना चाहिए। फिर आपको क्या डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, डीडीटी का क्या करना चाहिए छिड़काव कराना चाहिए। फिर क्या आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको मच्छर काटने से बचे, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अल आउट का उपयोग कर सकते हैं सोते समय, इससे आप मलेरिया से बच सकते हैं। अब है क्या ये जो मलेरिया जो होता है हमारे मादा एनोफिलीज मच्छर ये कैसे पानी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा गंदे पानी में पाए जाते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं कैसे पानी में पाए जाते हैं, गंदे पानी में पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।